हमारे साथ एक तरफ मुजाकिरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ धमकियां दी गई, रिश्वतें पेश की गई, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गई, लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दिन मौलाना फजल रहमान का बड़ा ऐलान, मैं किसी के दबाव में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकता, तहरीकी इंसाफ का हमायती हूँ और मरते दम तक खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। मौलाना ने आज बड़े बड़ों के तोते उड़ा दिए। आइए पहले ये वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। ये इतनी बड़ी अहम तरमीम है कि जिसके पीछे एक बड़ा अहम आदमी है और उसका नाम है। हमारे साथ एक तरफ मुजाकिरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम के अराकीन पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं, और एक को धमकियां दी गईं, एक को रिश्वतें पेश की गईं, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गईं, लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी के बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मैंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जो उसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं, अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुजाकिरात के प्रोसेस रोक दें, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ, एहतराम के साथ जवाब देंगे, दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें, ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, जनाब उमर अयूब खान लीडर ऑफ द अपोजिशन और उनकी मुकम्मल टीम को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप सब जानते हैं कि मुजवजा आईनी तरमीम जो एक दो तीन हफ्तों से ज़ेर बहस है, उस पर मुशावरत का अमल जारी है और हमने पूरी फराख दिली के साथ हकूमत के साथ मुजाकिरात किए हैं, उनके नुमाइंदों के साथ हम बैठे हैं और हमने अपना नुक्ता नज़र दिया है, वो भी किसी पर मख्फी नहीं है। जो पहला ड्राफ्ट हकूमत की तरफ से हमारे पास आया था, हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था, हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं और आइंदा के लिए भी हकूमत का वो ड्राफ्ट किसी कीमत पर हमें कबूल नहीं होगा। और अगर मुज़ाकरात किए जाते हैं इफ़हाम तफहीम के साथ एक मुत्तफ़िका तरमीम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमने खुशामदीद कहा है इसके लिए। और दो रोज़ कबल मैं कराची में जनाब बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनके घर में बैठकर चार पाँच घंटे हमने इस पर तवील बहस की और हर एक शक को और तरमीम के क्लास को हमने ज़ेर बहस लाया। जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ हमने उसको भी मीडिया के सामने उसका ऐलान किया, और कुछ चीज़ें थीं कि जो अभी मुशावरत के काबिल हैं और उन पर मुशावरत होनी चाहिए। कल जब लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब के रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात हुए, वो भी कोई चार पाँच घंटे तक चलते रहे, वहाँ भी तीन पार्टियाँ इकट्ठी हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुमलिकत जनाब आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम, उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई।
और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तेफाक राय हो गया। कुछ चीज़ें अभी भी इस काबिल थी कि मज़ीद मुशावरत जारी रखी जाए, और मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पर हम उन मुतनाज़ा शिकों पर भी मुफाहमत के करीब हैं, तकरीबन हम करीब पहुँच चुके हैं। आज हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ थी, उनके क़यादत यहाँ तशरीफ लाई। हमने आज बड़ी तफसील के साथ उस सारे सूरत हाल से उनको आगाह भी किया। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है, और बड़ी जमात को इतने बड़े एक आईनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक नहीं रखा जा सकता। हमने हमेशा कोशिश की है, और आज तक जहां बहुत सी चीज़ें उस तरमीम को किसी हतमी शक्ल देने में रुकावट रही है, एक बात ये भी रही है कि ये मुत्तफ़िका होना चाहिए और उसमें सिर्फ JUI को नहीं बल्कि पूरे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए, और उस हवाले से इसको मुत्तफ़िका एक तरमीम तक हम ले जाएं। मैंने इनके रवैये को देखा, इंतहाई मुस्बत रवैया रहा है इस तरमीम के बारे में, और माकूल चीज़ों को जो काबिल कबूल हो सकती हैं, कोई उनका मुआनदाना रवैया नहीं है, उन चीज़ों को कबूल किया जा सकता है, आज भी कबूल किया गया है, और कुछ चीज़ें जो अभी मोहताज मुशावरत हैं उस पर मुशावरत के लिए तय हुआ है कि ये मुशावरत कल भी हमारी जारी रहेगी। मैं यही बात हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि जो खसूसी कमेटी बनाई गई है और जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसमें मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे भी होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए, या उसके लिए एक अलग सा मैकेनिज्म बन सकता है, लेकिन वो चूंकि स्टेक होल्डर्स हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेटी में तमाम पार्टियों के जो ड्राफ्ट्स हैं उन पर खुली डिबेट की जाए ताकि हम एक इत्तेफाक राय तक पहुंच सकें। लेकिन एक बात जो हम मुसलसल मुफाहमत के जज्बे से कहते चले आ रहे हैं, हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जैसे हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। उसमें हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासान किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम के अराकीन पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं, और एक को धमकियां दी गईं, एक को रिश्वतें पेश की गईं, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गईं। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी के बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मैंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जो उसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोक दें, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ, एहतराम के साथ जवाब देंगे, दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें, ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया
बदमाशी का जानते हैं। नाज़रीन ग्राम जैसा कि गुज़श्ता दिन नू लीग वालों ने मौलाना फजल रहमान को जाती अमरा में मीटिंग के लिए बुलाया, जिसके बाद मौलाना ने बयान देते हुए कहा था कि ये फौरन पीटीआई की अदद से भी मिलेंगे और जाती अमरा की मीटिंग के हवाले से आगाह करेंगे। तो आज फाइनली मौलाना ने इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान से मुलाकात की, जिसके बाद जाती अमरा का अहवाल अवाम के सामने भी शेयर किया। आप नाज़रीन सुन चुके हैं, मौलाना फजल रहमान को बड़ी कोशिश की गई कि ये पहले की तरह नू लीग का साथ दें, लेकिन इस बार मौलाना ने वफा का हक अदा कर दिया और साफ लफ्जों में कह दिया कि ये नू लीग के साथ इतिहाद नहीं करेंगे और इमरान खान का मजीद साथ देने की कोशिश करेंगे। मौलाना के इस जज्बे की आज हर कोई खान साहब का जाने वाला तारीफ कर रहा है। आप नाज़रीन इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।